बिल्कुल इलेक्ट्रोजेनेटिक्स तो आज एक हम बहुत सीरियस टॉपिक के बात पर बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली कुछ यूट्यूबर हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन को इंट्रोगेट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो गलत इन्फॉर्मेशन से आगे चल के आपको कोई भी नुकसान हो। मैं किसी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं हूँ, सिखाना सबके लिए एक अच्छी बात है, सीखना और सिखाना दोनों सबके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन आप इतने सारे फैन फॉलोइंग लेके और दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन ये अगर डिलीवर कर रहे हो तो ये एक मार्केट में गलत इन्फॉर्मेशन जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन के अभाव में, अगर बहुत बड़े बड़े फैन फॉलोइंग है तो ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज होता ही है। कुछ लोग ऐसे भी टारगेटेड हो जाते हैं और बड़े बड़े फैन फॉलोइंग उनके पास आ जाते हैं। तो चलिए हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्चुअली एक टेक्निकल शोकिल नाम से एक चैनल चल रहा है जो कि वो एक गलत ड्रीवर करते हैं कुछ कुछ उनके जो कंटेंट है, तो मैं उनके बहुत सारे कंटेंट ऐसा देखा हूँ जो वो गलत डिलीवर करते हैं। तो मैंने सबसे जो मेजर कंटेंट उनको देखा कि उन्होंने जो पावर बैंक के जो मॉड्यूल आते हैं उन्होंने वो क्या किया, उनको उन्होंने कट करके एक अपना मॉड्यूल बनाया है। LM एक IC है जो कि ये IC का नंबर है LM2576। एक्चुअली ये जो IC है ये एक्चुअली बक कन्वर्टर IC है। इसमें चार कंपोनेंट लगते हैं, इसमें दो कैपेसिटर, एक इंडक्टर और एक जीरो डायोड लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, LM के बहुत सारे IC आते हैं। ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इसको डिजाइन करती है। तो एक्चुअली ये जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इसको डिजाइन करती है तो इसमें LM2576, 2596, LM7805 ये अलग, एक्चुअली ये जितने भी आप तरह ये IC देख रहे हैं ये टोटली वोल्टेज रेगुलेटर IC है। या तो ये बक करेंगे या तो बूस्ट करेंगे। और ये जो LM जो IC नंबर है LM2576 एक्चुअली ये बक कन्वर्टर है। ये बक कन्वर्टर का मैं पूरा रेंज आपको बताता हूँ। ये जो बक कन्वर्टर है ये 7 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक इनपुट पे ये सप्लाई हो देने पे ये आपको जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट से लेके 1.3 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक ये एडजस्ट कर सकते हैं इसको। इसमें जीनर डायोड है वही एडजस्ट करने का काम करता है। इसमें एक इंडक्टर भी लगता है, तो मैं वो सारा का सारा डायग्राम दे दूंगा। तो जो IC जब डिजाइन होती है तो उसका जो सर्किट है वो भी डिजाइन होता है साथ ही में। आप जाइएगा तो इनको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये बक कन्वर्टर है, आप इससे एक्चुअली बैटरी तो चार्ज कर सकते हैं डाउन करके, तो ये आपको सफिशियंट 5 वोल्ट 3 एम्पियर करंट देगी। लेकिन इसमें कोई भी प्रोटेक्शन सर्किट नहीं लगा हुआ है। प्रोटेक्शन सर्किट कहने का मतलब कोई भी कंपनी अगर डिजाइन करती है तो उसमें सबसे मेन जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है, सेफ्टी फीचर सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप यहाँ से देख के कुछ भी सीखते हैं और आप अप्लाई करते हैं तो आपका मोबाइल वगैरह में कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर अगर इसको और कहीं पर सर्किट में चार्ज करते हैं तो आपको जो बैटरी वगैरह है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो भी जितने भी पावर बैंक है उसमें बहुत तरह के सेफ्टी फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज और भी इस तरह के प्रोटेक्शन कोई भी जो पावर बैंक है उसमें दिए गए रहते हैं। आप डायरेक्ट इन IC से अगर लगा के बनाते हैं तो ये तो IC मेन जो है वो तो यही IC काम करती है, लेकिन उसके साथ प्रोटेक्शन भी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर मान लीजिए कि आपका जो भी अभी जो मार्केट में आ रहे हैं जो भी मोबाइल आ रहे हैं वो लिपो बैटरी आ रहे हैं, जो पूरा का पूरा पैक्ड मोबाइल आ रहे हैं उसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज़ हो रहे हैं जो कि बहुत ही हाईली सेंसिटिवल बैटरी है। वो अगर बहुत ज़्यादा हाई अगर उसको ड्रेन कर देते हैं, अगर बैटरी वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, अगर वो लिथियम पॉलीमर अगर बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करते हैं तो भी वो खराब हो जाता है, और उसको अगर ओवर चार्ज करते हैं तो भी वो खराब हो जाता है, और ख़राब होगा तो वो चाहे तो ब्लास्ट हो जाएगा या तो फिर वो फूल जाएगा। तो लिथियम आयन बैटरी उससे थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होते हैं जो कि पुराने ज़माने में यूज होते थे, उसको आप बाहर निकाल कर रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन अब के जो बैटरी आ रहे हैं वो लिपो बैटरी आ रहे हैं। कोई भी मोबाइल या कोई भी डिवाइस है, जितने भी नए नए डिवाइस आ रहे हैं उसमें वो पूरे के पूरे लिपो बैटरी पे बेस्ड है, क्योंकि वो जल्दी चार्ज होते हैं और वो बहुत ही हल्के होते हैं, क्योंकि आज का मार्केट का डिमांड लिपो बैटरी का है। इसीलिए जितने भी बैटरी आ रहे हैं, कोई भी अगर उपकरण आ रहे हैं उसमें लिपो बैटरी आ रहे हैं। तो मैं एक पावर बैंक आपको दिखाता हूँ जो कि लिपो बैटरी वाला पावर बैंक है। तो ये देखिए, ये एक पावर बैंक है। एक्चुअली ये पावर बैंक मैं बताता हूँ, ये एमरेन का पावर बैंक है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये एमरेन का पावर बैंक है। तो मैं इसका अंदर का सर्किट दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर का ये सर्किट है, तो मैं इसको पूरा आपको दिखाता हूँ बाहर निकाल के। तो ये शायद आपको सर्किट दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये पूरा पूरा लिपो बैटरी है, बहुत ही हल्का होता है। इसमें येलो कलर की टेपिंग होती है और इस तरह से ये बैटरी होता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव बैटरी है। अगर इसमें मैं पूरा फुल चार्ज करके अगर मैं इसको ओवर डिस्चार्ज कर दूं या फिर ओवर चार्ज कर दूं इसको बिना प्रोटेक्शन सर्किट के, तो ये लिपो बैटरी ख़राब हो जाएंगी।
तो इसीलिए इसमें बहुत सारे आईसी दिए गए होते हैं जो ओवर करंट, ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट से इस लिपो बैटरी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही बहुत ही ज़रूरी है कि इस प्रोटेक्शन सर्किट, ये जो बक कन्वर्टर है, ये बक बूस्ट कन्वर्टर जो लगा हुआ है उसके साथ प्रोटेक्शन सर्किट ऐड करना आज के मार्केट, आज के जो सर्किट है उसमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लिपो बैटरी बहुत ही सेंसेटिबल होती है। और अगर इनको अगर गलती से इधर कैसे जिस आप मनमानी तरह से आप इसको अगर चार्ज करते हैं तो ये लिपो बैटरी ये ब्लास्ट कर जाएंगी, तो आपका इनसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं ये यही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहता था उस चैनल पे। और भी बहुत सारे मैं ऐसे ऐसे कंटेंट है जिसके बारे में मैं कभी और वीडियो में चर्चा करूँगा, अगर इस वीडियो के रिस्पॉन्स के आधार पे। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मार्केट में गलत मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट हो, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग देखें और समझें और आपको सही नॉलेज जो डिलीवर कर रहा है उस तक आप पहुँच सकें। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप हेट इस वीडियो से ना फैलाएं और फिर इस वीडियो का गलत कुछ मीनिंग ना समझें। तो चलिए इसको समझने के लिए एक हम लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास एक स्मार्ट वॉच की घड़ी है और ये चार्जिंग में लगी हुई है, इसमें करंट सेंसिंग वाली आईसी लगी होती है। देखिए अभी ये चार्ज हो रही है, ये जब ये फुल्ली चार्ज ये हो जाएगी तो ये जो सर्किट है ये ऑटोमेटिकली जो पावर आ रहा है चार्जर से इसको ऑफ कर देगी ताकि लिपो बैटरी इसके अंदर जो है वो ख़राब ना हो। तो देखिए ये ऑफ हो गई, तो ये देखिए ये फुली चार्ज हो गई, ये ऑटोमेटिक कट कर दिया जो पावर आ रहा था, वो बैटरी को अब नहीं जाएगा। तो जैसे मैं इसको डिस्चार्ज करूँगा तो कुछ देर बाद ये फिर से चार्ज होने लगेगी। तो देखिए ये फिर से मैं इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ, इसमें एक एलईडी लगी हुई है, इसको मैं बार बार जला के डिस्चार्ज कर रहा हूँ, तो ये फिर से इसको सेंस कर लेगा कि ये डिस्चार्ज हो रही है, तो फिर से इसको चार्जिंग में लगा देगा। तो फिर से ये बगल में एक रेड एलईडी जलने लगेगी साथ में, तो ये देखिए अभी सिर्फ वाइट जल रहा है, तो कुछ देर वेट करते हैं। देखिए ये रेड कलर की एक एलईडी आपको जलती हुई दिख रही होगी, थोड़ा ब्राइटनेस यहाँ पे देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर की भी एलईडी साथ में जल रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आईसी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ कौन सी आईसी होती है। ये देखिए सबसे जो ऊपर की आईसी है वही है करंट सेंसिंग की आईसी, LM2576 से मिलती जुलती आईसी बहुत सारी मार्केट में आ गई है। तो इस तरह से आपको बक बूस्ट कन्वर्टर मार्केट में मिल जाएंगे, जो कि ये क्या करती है, ये जो वोल्टेज देते हैं यहाँ से इसको बढ़ा देती है और घटा भी देती है। तो एक्चुअली ये क्या करेगी, यहाँ से इनपुट लेगी, यहाँ से आउटपुट देगी। तो ये एक्चुअली रनिंग मॉड्यूल के लिए सही है, जहाँ पे चार्जिंग वगैरह का इशू नहीं है, जहाँ पे आपको कोई डिवाइस चलाना है वोल्टेज बढ़ा के तो या वोल्टेज घटा के, उसके लिए सही है। लेकिन ये चार्जिंग के लिए सही नहीं है, तो जो चीज़ जहीं जहाँ के लिए सही है वहीं पे इसका यूज करना चाहिए। तो ये इस तरह के चीज़ के लिए सही है, ये 12 वोल्ट के लिए फ़ैन के लिए सही है, 5 वोल्ट से ये 12 वोल्ट के फ़ैन चला सकते हैं। तो जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है वहीं पर यूज करना चाहिए, ना कि चार्जिंग में यूज करना चाहिए, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं किसी अन्य वीडियो में इस तरह के सर्किट पे आउटपुट में और इनपुट में दोनों तरह के टेस्ट करूँगा, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट और ओवर चार्ज, इन सब टेस्टों को परफॉर्म करूँगा और देखूँगा कि ये आईसी कितने हैंडल करती है। तो होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।